हम क्यों नहीं एक दूसरे को आई लव यू जैसी स्टूपिड बातें बोलेंगे? क्योंकि फिर सब इमोशनल हो जाता है और सेंटी हो जाता है और मस्ती का दी एंड हो जाता है। परफेक्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिया भाटिया। सो महीनों हो गए हैं लॉकडाउन को एंड दिस लॉकडाउन इज नाउ गेटिंग ऑन आवर नर्व्स। आई टोटली गेट इट। तो जैसे इंडिया में द नंबर ऑफ पीपल बाइंग शेयर्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज, अपना यूथ डेटिंग एप्स पर आ गया। आई क्लियरली रिमेंबर मेनी बायोज रेड, कोरोना वायरस ब्रॉट मी हियर एंड आई फील यू गाइज, आई टोटली फील यू। लाइक वी ऑल नो ऑल द क्रेजी स्टफ आवर फ्रेंड्स हैव डन एंड देयर इज नथिंग न्यू व्हेन वी टॉक टू देम। सबका वही सेम रूटीन है लॉकडाउन में। यू जस्ट नीड टू ब्रेक द मोनोटोनी, डू समथिंग, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइफ। मेरे साथ जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। जोक्स अपार्ट, लुक्स स्टिल मैटर। बाय द वे, मैं लड़कों की तरह अंधा स्वाइप नहीं करती। सो आई वाज स्वाइपिंग 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 एंड 70% ऑफ द प्रोफाइल्स आई केम अक्रॉस वर ऑफ गाइज एजेड बिटवीन 18 to 21 and I could clearly see teenagers who were not even 18. Not applicable. Chalo 18 bhi maan liya yaar. I get it, you're technically an adult, but you're still younger than me, no? Aur jo baki 30% profiles hain, usme se bhi mostly people are like 30 plus or like 27 plus and have uncle ji type personalities. So I'm like, oh, never mind. Aur chal kya raha hai ye? Oh, bhai! मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आई मीन हु शुड एक्चुअली बी डेटिंग? नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं? या फिर डेटिंग की एज चेंज हो गई एंड मुझे नहीं पता? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आई मीन वेयर आर द पीपल माई एज? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। और जो थोड़े हैं भी ना 23 to 25 वाले, उनका भी देख के पता चल रहा है यार, पिक्स एंड बायो इन्होंने एज बढ़ा कर डाल रखी है। एंड आई एम डबल श्योर क्योंकि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने भी यही किया था। ओप्स गाइस, डिड आई जस्ट लीक योर सीक्रेट? सॉरी, नॉट सॉरी। नाउ when a guy super likes, we all keep on getting that notifications. So I thought, let's see. Who is he? So going through his profile, upar upar se, I'm quoting what his bio read. Kripya dur rahe agar aap papa ki pari hain. I'm like, dude, are you dumb? Or are you dumb? Because why did you super like me when the first words on my bio read, self-obsessed with the crown princess emoji? क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ। खैर, अब आप खोल ही लिए तो लेट्स कंटिन्यू स्वाइपिंग। तो एक चीज़ तो अपने लड़कों ने सीख ली है ठीक से, दैट इज प्रोफाइल बनाना। नाउ वी गॉट वन पिक विद अ फुल स्माइल, वन विद अ डॉग, वन इन द माउंटेन्स, वन विद अ कार और बाइक एंड वन विद अ गिटार समटाइम्स, यू नो। एक फेक कैंडिडेट भी सबकी होती है विद सिटी लाइट्स इन द बैकग्राउंड, उनकी भी गलती नहीं है। वी ऑल हैव गिवन दिस सेम टेम्पलेट टू आर गाय फ्रेंड्स व्हेन दे आस्क अस टू रिव्यू देयर प्रोफाइल, यू नो। बट नाउ दिस इज वे टू कॉमन। यू गॉट टू लेवल अप योर गेम डूड, यू गॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग यूनिक लाइक अ हेड स्टैंड और अ स्केटबोर्डिंग स्टैंड, यू नो। एंड बाय द वे, सबकी प्रोफाइल में यू विल फाइंड ट्रैवलिंग, डांसिंग, सेपियोसेक्सुअल साइकोलॉजी, सोल कनेक्शन, लॉन्ग वॉक्स, ट्रैवलिंग, क्लबिंग, जिमिंग एंड वॉट नॉट। लाइक इट्स ओके, मैंने भी अपने गाइड फ्रेंड्स को यही बोला था ऐसे ऐसे लिखने के लिए एंड ही वॉज लाइक, रिया, आई एम नॉट इवन दिस पर्सन। सो आई एक्सप्लेन हिम हाउ वी मार्केट आर सेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यूज, लाइक वी प्रेजेंट द सिंपलेस्ट थिंग्स इन द फैंसीएस्ट वेज and let's be real, we all do that, okay? So I was like, ye round one hai, you know? Now guys, let me give you some more insight into this.
Now, if you got good looks and all the pictures are on point, but you got no content, then it still won't work, right? So when I see a profile, I want someone with a decent grammar because the conversation is a turn off otherwise. Vice versa ain't true though. Please mention about some good food you love. And I like if we have something in common to talk about. So please mention about your passion. And don't put that shirtless pics out there, even if you have six-pack abs, if you're here for dating or relationship. Because we don't want to date someone hotter than us. We want to have that edge when it comes to looks. Because looks still matter, you know? By the way, put out all the hot and sexy shots you got if you're here for casual stuff. And honestly, I did swipe right on such guys because I was curious to know about their stories. I was like, tell me how it was. Aur yaar, profile mein itni group pics mat dala karo yaar. I get it, they are your friends. You guys have a great bond. And maybe you don't wanna come across as a loner. But I'm not here to apply all those set theory formulae and sit and solve a Venn diagram. So swipe left. Swiping more and more, I developed a thing for our majority 18 to 21 year olds. Cute to hai yaar ye. Especially wo jinki beard bhi nahi aayi and they have a sharp jawline. I like it. I like it. And they were so respectful and careful about their words. I was like, aww. They didn't use any pickup lines and they weren't cheesy or creepy at all, you know. बाद में व्हेन आई वाज टेलिंग अ फ्रेंड अबाउट इट आई रियलाइज्ड कि यार इन्होंने लिटरली बस दीदी नहीं बोला बात वैसी करी है जैसे एक दो तीन साल बड़ी कजन से करते हैं तो मन में आई वाज लाइक बहन बना के ले जाया गर्लफ्रेंड बना के और मैं ब्रोजोन नहीं कर रही यार टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट वैसे भी दिस इज एनी डे बेटर देन बींग ऑब्जेक्टिफाइड टू बी ऑनेस्ट आई मोस्टली हैपन टू कनेक्ट विद दिल्ली के लौंडे और मेरे अंदर ना बहुत चिल है नई नई चीज़ें ट्राई करने की स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड सो आई गॉट सम ग्रेट फूड रिकमेंडेशंस नाउ पीपल विल बी लाइक तुझे देखकर तो नहीं लगता एंड गाइस ट्राई इज द कीवर्ड हियर तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद एवरीवन इज लाइक सो वेयर डू यू पुट अप एंड द मोमेंट आई ऑनेस्टली आंसर दैट क्वेश्चन द कॉन्वर्सेशन इज जस्ट ओवर लाइक द एंड तो यार तुम फिर वो डिस्टेंस वाला फिल्टर ही लगा लेते ना नाउ आई नो सबको नहीं पता होता स्टार्टिंग में इवन आई डिडंट नो एंड आई एम ग्लैड आई डिडंट नो वरना मैं वो एज वाला फिल्टर लगा लेती बट नाउ यू गाइस नो ओके अच्छा फिल्टर से याद आया सम पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड आई एम लाइक व्हाट जी दैट्स स्कैरी चलो कुछ लोगों की तो एज भी आ गई उनकी कोई बात नहीं बट देन I came across so many 20-year-olds as well, जिन्होंने लिखा है अपनी प्रोफाइल में nothing serious, just looking for a wife or something. I'm like, यार please, इस प्लेटफॉर्म को निब्बा निब्बी वाला मत बनाओ Anyways, I hope you liked the video. मुझे भी बताओ कैसा रहा आपका experience in dating apps पर और like dating in general. We all would like to read some interesting stories down in the comment section below. This was a light-hearted video with no intention to offend or hurt anyone or make fun of anyone. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel for more entertaining and informational content. Do check out my other videos if you haven't already and keep coming back for more. That's all for now. Bye. Bye.